नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पायरोमीटर क्या होता है ये जाना था तथा पायरोमीटर के कितने प्रकार थे और उसमें से जो पायरोमीटर का जो पहला प्रकार था, टाइप था, क्या नाम था उसका, ऑप्टिकल पायरोमीटर है ना, ऑप्टिकल पायरोमीटर, इसको हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में जाना था। आज हम लोग जानेंगे रेडिएशन पायरोमीटर के बारे में कि ये क्या होता है और किस प्रकार वर्क करता है। तो देखिए, जो हमारा रेडिएशन पायरोमीटर है ये क्या करता है कि किसी गर्म वस्तु के द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन को क्या करेगा, मापेगा, है ना, और उस वस्तु का ताप उन रेडिएशन के द्वारा हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा कि इस आपको पता है कि आपके जितने भी पायरोमीटर हैं, चाहे वो ऑप्टिकल हो अथवा रेडिएशन हो, क्या करेगा, हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और सबसे बढ़िया इनकी चीज़ क्या होती है कि जो ये आपके रेडिएशन पायरोमीटर या ऑप्टिकल पायरोमीटर होते हैं, ये नॉन कॉन्टैक्टिंग डिवाइस है, ठीक है, वस्तु को बिना स्पर्श किए ये क्या कर देते हैं, ताप ज्ञात कर लेते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो देखते हैं कि रेडिएशन पायरोमीटर में मुख्यतः क्या होता है, लेंस होता है, मिरर होता है जिस पर रेडिएशन फोकस करते हैं, एक रेडिएशन डिटेक्टर होता है जो कि रेडिएंट एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और एक टेम्परेचर इंडिकेटर होता है जो कि क्या करेगा, आपका तापमान पढ़ने के काम करता है, पढ़ने का काम करेगा। ये देखिए, ये इसका एक डायग्राम है कि ये आपकी हॉट बॉडी हो गई जहाँ से ये रेडिएंट एनर्जी ये रिलीज़ हो रही है। इस एनर्जी को हम लोगों ने क्या किया, इस विकिरण को हमने क्या किया, लेंस के माध्यम से इस मिरर के ऊपर गिरा लिया, है ना, ये जो आपका मिरर है, और ये मिरर क्या करेगा, ये मिरर इस डिटेक्टर पे गिराएगा इन रेडिएशन को, और उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये डिटेक्टर पे गिराएगा। ये डिटेक्टर क्या कार्य कर रहा था, जो ये रेडिएंट एनर्जी गिर रही थी इस पर, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट कर दे रहा था, जिससे कि वो कह रहा था कि जो हमारे सिग्नल थे वो हम लोग ईजिली टेम्परेचर इंडिकेटर के द्वारा पढ़ सकते थे। ये जो आपका है, ये क्या लगा हुआ है, ये एक हिसाब से फ़िल्टर लगा हुआ है, जिससे कि जो आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो हमारी आई पीस है, एडजस्टेबल आई पीस है, ये यहाँ से बैठा है, इसको कोई देख रहा है, इसको कोई हार्म ना पहुँचे, ये आपका फ़िल्टर है वाला, ठीक है। आपको यही वाला डायग्राम बना लेना है और इसकी फिर कार्यविधि आइए देखते हैं कि यह एक नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है। सर्वप्रथम गर्म वस्तु से निकलने वाली रेडिएंट एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, रेडिएशन पायरोमीटर के लेंस के माध्यम से मिरर पर फोकस करते हैं। तत्पश्चात क्या होगा कि मिरर के जो द्वारा थर्मल रेडिएशन को हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्टर पर फोकस करते हैं, तथा डिटेक्टर प्राप्त रेडिएशन अथवा फोटॉन एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि टेम्परेचर इंडिकेटर के माध्यम से तापमान हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसकी वर्किंग है। और इससे पहले इसका क्या था, ये आपका डायग्राम बनाना, ये कंस्ट्रक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके फ़ायदे देखिए क्या है, आपको पता है जैसा कि जो हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर है उच्च ताप ज्ञात कर सकता है, इसके जो माप है वो अधिक शुद्ध है, फास्ट रिस्पांस, तुरंत आपका पता चल जाएगा कि कितना तापमान है आपकी वस्तु का, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, आराम से इधर से उधर ले जा सकते हैं, और ये नॉन कॉन्टैक्ट डिवाइस है, ठीक। ये इसके एडवांटेज हो गए आपके, और ये आपके डिसएडवांटेज हैं, क्या कि तापमान मापने के लिए पावर सोर्स की आवश्यकता होगी इसमें, क्यों होगी, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर इंडिकेटर लगा रहे हैं, है ना, निम्न ताप को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फिर मौसम यदि साफ नहीं है तो क्या होगा, आपका जो रेडिएशन है वो सही से नहीं पहुंच पाएंगी ऑप्टिकल पायरोमीटर के लेंस तक, माफ़ कीजिएगा, रेडिएशन पायरोमीटर के लेंस तक, और अगर रेडिएशन नहीं सही से पहुँच पा रही हैं तो जो आपका जो तापमान है वो शुद्ध नहीं प्राप्त हो सकता है। तो ये आपका पूरा क्या था, और रेडिएशन पायरोमीटर था हमारा ये, ठीक। तो अब हम लोग समझ चुके हैं क्या कि जो आपका पायरोमीटर होता है ये क्या है, पायरोमीटर हमारा दो प्रकार का होता है। पहले तो पायरोमीटर क्या होता है, पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ताप ज्ञात करते हैं, कैसा ताप, उच्च ताप ज्ञात करते हैं, ठीक है, और यह बिना वस्तु को बिना छुए हुए हम लोग उस वस्तु का ताप ज्ञात कर सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जो पहला है हमारा कौन सा है, रेडिएशन, पहला हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर, फिर दूसरा हमारा रेडिएशन पायरोमीटर, ठीक है। तो ये है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये पेपर के भी दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।